जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम साफ हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में नौशहरा में दूसरे चरण में 25 सितंबर 2024 को मतदान हुआ था। ये हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार नौशहरा में 10 राउंड की काउंटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार चौधरी को 35,059 वोट मिले, जो ओवरऑल 7,819 वोट से जीत गए। तो वहीं भाजपा के रविन्द्र रैना को 27,250 वोट मिले, बसपा के मनोहर सिंह को 1,456 वोट मिले, दो अन्य उम्मीदवारों को 500 से कम वोट मिले। उसके बाद रविंद्र रैना की हार के कई कारण बताए जा रहे हैं। बता दें कि जम्मू की राजौरी जिले की इस सीट पर हिंदू मुस्लिम और सिख वोटर्स हैं। ये जिला पाकिस्तान की सीमा से सटा है, इसलिए सीमा विवाद भी एक नया कारण माना जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि रविंद्र रैना स्थानीय आजीविका पर ध्यान नहीं देते थे और उन्हें विस्थापन समेत कई मुद्दों पर वोटर से नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र डावा, निर्दलीय उम्मीदवार शिवदेव शर्मा, बीएसपी के मनोहर सिंह और पीडीपी के हक नवाज भी मैदान में थे, जिसके चलते इस सीट पर हिंदू वोटर्स का बंटवारा होने से बीजेपी को नुकसान हुआ और रविन्द्र रैना चुनाव हार गए।